स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भाई सर पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं एक बार फिर से क्लास टेंथ ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर है हमारे पास दो नहीं तीन, चैप्टर नंबर थर्ड है। और चैप्टर नंबर थर्ड में हम यहाँ पर देखने वाले हैं जल संसाधन के बारे में। यहाँ पर हम पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले हैं, जल संसाधन। और जल संसाधन के अंदर जो भी हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे, जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और साथ ही साथ इस तरह से क्वेश्चंस का आंसर हम जानेंगे ताकि जो रटना ना पड़े हमको। एसएसटी में सबसे बड़ी समस्या यही होता है कि बातों को रटना पड़ता है, तो यहाँ पर समझने की हम कोशिश करते हैं ताकि बातें हमारी समझ में रहे और हम आंसर इजीली लिख पाए। तो पहले नंबर का क्वेश्चन हमारे पास, बहुउद्देशीय परियोजना से क्या समझते हो। तो देखो, बहुउद्देशीय मतलब क्या होता है, बहुउद्देशीय का मतलब होता है एक से अधिक उद्देश्य, एक से अधिक उद्देश्य। अब यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आंसर आने वाला है, तो सब यहाँ नीचे समझ लेते हैं। तो हमने क्या कहा, बहुउद्देशीय बोला ना, बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय का मतलब होता है एक से अधिक, एक से अधिक उद्देश्य, ठीक है। तो बहुउद्देश्य का मतलब हुआ एक से अधिक उद्देश्य। परियोजना का मतलब क्या होता है, परियोजना का मतलब हुआ है एक ऐसा योजना, है ना, एक ऐसा एक योजना जिसके तहत कार्य किए जाते हैं, ठीक है। एक योजना हुआ जिसके तहत कार्य किए जाते हैं। परियोजना का मतलब क्या, किसी भी कार्य को जब हम करते हैं और एक अच्छे तरीके से संगठित तरीके से करते हैं तो वो क्या कहलाता है, परियोजना कहलाता है। तो बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ क्या हो गया, हमने कहा बहुउद्देशीय मतलब एक से अधिक उद्देश्य, और परियोजना का मतलब एक योजना है कि किसी भी काम को हम किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से और संगठित तरीके से हम कर पाते हैं। तो बहुउद्देश्य परियोजना का मतलब हो गया है एक ऐसी परियोजना जिससे एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है, उसको हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अब कैसे समझेंगे, खासतौर पर बहुउद्देशीय परियोजना जो है ना, इसको हम लोग नदी घाटी परियोजना भी बोलते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना को जो हम लोग है, परियोजना, इसको हम लोग नदी घाटी परियोजना भी बोलते हैं, नदी घाटी परियोजना। क्योंकि ये बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये कहाँ बनाया जाता है, नदी घाटी पर ही बनाया जाता है। किसको बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, जो नदी घाटी पर बांध बनाए जाते हैं, जो हमको यहाँ पर चित्र में नजर आ रहा है, नदी घाटी पर बांध बनाए जाते हैं और बांध बना करके बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, इसलिए इस प्रकार की योजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अब सवाल उठता है बहुउद्देशीय परियोजना से किन किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। पहला कि देखो, बांध बनाएंगे तो एक और पानी जाने से बंद होगा, यानी कि बाढ़ रुकेगा, ठीक है। दूसरा, ऐसे क्षेत्रों में जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है वहां पर पानी पहुंचेगा, यानी सूखा ग्रस्त क्षेत्र में पानी पहुंच जाएगा, पानी की उपलब्धता बोल सकते हैं। तीसरा बोल सकते हैं क्या चीज, बाढ़ रुक जाएगा, सूखाग्रस्त क्षेत्र में पानी। तीसरा, मछली पालन हम कर सकते हैं। चौथा बोल सकते हैं, यानी कि हम देखो मछली पाल सकते हैं। चौथा हम बोल सकते हैं कि यातायात का विस्तार होता है, यानी पानी में अब जैसे ही एक तरफ जो है ना पानी को रोके तो क्या होगा कि दूसरी तरफ पानी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इससे आसपास के क्षेत्रों में एक जगह से दूसरे जगह जो है पानी में जा सकते हैं, ठीक है, तो यातायात का विस्तार हो जाएगा। पांचवा हम क्या बोल सकते हैं, पर्यटन का विकास होगा, ठीक है जी। पर्यटन का विकास मतलब जहां पर भी ये इस तरह के बांध बनेंगे, डैम बनेंगे, लोग इसको आसपास से देखने के लिए आएंगे, जिससे यहाँ पर क्या होगा, पर्यटन का विकास होगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर छठा नंबर में, बिजली का उत्पादन। तो बहुउद्देशीय परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना की से क्या समझते हैं, या बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, इसमें तीन बातें मुख्य रूप से देखेंगे। पहला तो बाढ़ रुक जाता है, पहली बात। दूसरा बात जो है यहाँ पर देखेंगे, बिजली का उत्पादन हो जाता है। और तीसरा बात जो अहम है वो कृषि के लिए पानी मिल जाता है, कृषि के लिए जल मिल जाता है सिंचाई के लिए।
तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जो किसी भी बहुउद्देशीय परियोजना से हमको चाहिए होता है, और ये तीन बातों की पूर्ति हो जाती है। आओ जरा हम आंसर में बात कर लेते हैं। नदी घाटी पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, जैसे बाढ़ से बचाव, विद्युत उत्पादन, सूखे क्षेत्र में जल की उपलब्धता, पर्यटन का विकास, यही सब हमने बताया है। इसलिए इस प्रकार की परियोजनाओं को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। ये पहला नंबर का क्वेश्चन है, क्लियर हो गया। चलो जी।